हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ चेन्नई, और इस बार मैं चेन्नई ट्रेन से नहीं फ्लाइट से जाने वाला हूँ। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा फ्लाइट से ट्रेवल करने का, तो मैं आपके साथ वो सारा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाला हूँ कि किस कैसे आप एयरपोर्ट पहुँचे और कितना लगेज आप ले जा सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर करने पड़ते हैं फ़्लाइट पर जाने के पहले एयरपोर्ट पर, और सबसे ज़रूरी आपको एयरपोर्ट कितने घंटे पहले पहुँचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ से हमें जाना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से IGI जाने का सबसे आसान और फास्ट तरीका है एयरपोर्ट मेट्रो लेना, जिसका किराया 50 रुपये है और ये आपको 20 मिनट में टर्मिनल 3 पहुंचा देगी। एयरपोर्ट आप अपने फ्लाइट के टाइमिंग से एटलीस्ट 2 घंटा पहले पहुंच जाएं, खासकर दिल्ली में, क्योंकि IGI में बहुत भीड़ होती है सुबह 8 से 11 और शाम के 5 से 8 बजे। मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद आप अराइवल डिपार्चर की तरफ जाएंगे। टर्मिनल 3 पे पहुँचने के बाद आपको अब एंट्री करना होगा। एंट्री के लिए आपके पास एयर टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा अगर इंटरनेशनल विजिट है तो, पहचान पत्र या आधार कार्ड का होना जरूरी है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। मैंने अपना टिकट फ़ोन में दिखाया और आधार कार्ड दिखाने के बाद मुझे एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके सहूलियत के लिए यहाँ बहुत से स्टॉल्स भी हैं, जैसे कि मनी एक्सचेंज, फ्री वाईफाई जोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आपने जिस फ्लाइट का बुकिंग किया है उसके काउंटर पर जाएंगे और अपना PNR नंबर और आधार कार्ड उसे दिखाएं। वो फिर आपका लगेज बैग आपसे मांगेगा और उसे वेट करके फ्लाइट में भेज देगा और आपको बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देगा। आप उसे सिर्फ वो सामान देंगे जो आप फ्लाइट में अपने साथ नहीं रखेंगे, और उसका वेट सभी फ्लाइट के अलग अलग रूल्स के हिसाब से होते हैं जो आपके टिकट पे प्रिंटेड होता है। इसके साथ आप अपना हैंड बैगेज, मतलब अपने साथ रखने वाले सामान का वेट 7 या 8 kg रखें। लगेज या हैंडबैग का वेट ज़्यादा होने पे एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है। अपना सामान देने और बोर्डिंग पास लेने के बाद आप डिपार्चर गेट्स के तरफ जाएंगे। अगला स्टेप है सिक्योरिटी चेक आपका और आपके हैंड बैगेज का। यहाँ पे आपको पीक आवर में काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है और यही सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। यहाँ पे इस तरीके का एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आप अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, बेल्ट, पर्स, घड़ी, मोबाइल और साथ में बैग को भी रखना होगा। इन सभी का एक्सरे में जांच होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें फ्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं है, जैसा कि यहाँ इस फुटेज में दिख रहा है। उसका लिस्ट मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देख लें। फिर आपका सिक्योरिटी चेक होगा और फिर आपको बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगा दिया जाएगा। सिक्योरिटी चेक के बाद आप चले जाएंगे लाउंज एरिया में। यहाँ आपको बहुत से ब्रांड्स के दुकान और खाने पीने के आउटलेट्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले आप अपने फ्लाइट का टाइम कंफर्म करेंगे और टाइम प्लानर के बोर्ड से ये पता करेंगे कि आपका फ्लाइट जिस गेट पे आएगा वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लग सकता है। जैसे कि मेरे टिकट पे दिख रहा है गेट नंबर 55 और इस बोर्ड के हिसाब से मैं गेट नंबर 55 पे 15 मिनट में वॉक करके पहुँच सकता हूँ। तो आपके पास यहाँ एटलीस्ट 30 से 45 मिनट होना जरूरी है, क्योंकि फ्लाइट की बोर्डिंग 30 मिनट पहले स्टार्ट हो जाती है। आप अगर चल चल कर थक गए हों और आपका गेट बहुत ही दूर हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे बस आपको खड़ा होना है और ये आपको खुद आगे पहुंचा देगा। अपने गेट के पास जाने के रास्ते में आप विंडो से बहुत से फ्लाइट को उड़ते और उतरते हुए भी देख सकेंगे। अपने निर्धारित गेट पे फ्लाइट डिपार्चर टाइम के 30 मिनट पहुंचने के बाद बोर्डिंग स्टार्ट होने का इंतजार करेंगे आप। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा और आपको फ्लाइट में भेज दिया जाएगा। यहाँ कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका विमान कहीं दूर खड़ा हो तो आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए बस का भी उपयोग किया जा सकता है।
अब आप अपने फ्लाइट में आ चुके हैं, अपने सीट को खोजकर बैठ जाएं और अपने हैंड बैगेज को ऊपर बने रैक में डाल दें और उसे अच्छे से बंद कर दें। अगर आपको यहाँ परेशानी हो रही हो तो फ्लाइट में मौजूद अटेंडेंट की भी मदद ली जा सकती है। फ्लाइट में 4 अटेंडेंट आपके लिए होते हैं। सीट पे बैठकर अपना सीट बेल्ट लगा लें। सामने वाली सीट के पीछे आपको सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गाइड मिलेगा, इसे पहली बार ज़रूर पढ़ें। कुछ मैगजीन्स और खाने के ऑर्डर के लिए मेन्यू भी मिलेगा और साथ में एक इस तरीके का बैग भी आपको मिलेगा। आपको अगर उल्टी जैसा लगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाइट का टाइम हो जाने के बाद अटेंडेंट आपको कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे अपने आप की सुरक्षा करेंगे। पहली बार इसे जरूर ध्यान से सुने। फिर आपका फ्लाइट उड़ने के लिए रनवे पे धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा और इस वक्त केबिन में आपको म्यूजिक भी सुनाई देने लगेगी। फिर करीब 10 से 20 मिनट रनवे पे दौड़ने के बाद आपका विमान आसमान की ऊंचाइयों में होगा और आप अपने खिड़की में अद्भुत नज़ारे देख पाएंगे। विमान में आपके लिए 4 वॉशरूम होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे, जिसका इस्तेमाल आप लैंडिंग और टेक ऑफ के समय नहीं कर सकते हैं। रात में फ्लाइट से नज़ारे आपको अलग ही एहसास देंगे। फ्लाइट के लैंडिंग के समय टचडाउन के वक्त पे आपको हल्का झटका भी लग सकता है, इसीलिए सीट बेल्ट को फिर से पहनने का निर्देश दिया जाता है। अब आपका विमान आपके निर्धारित डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। उतरने के पहले ही फ्लाइट में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपका लगेज किस बेल्ट पे जाने वाला है। इसके बाद आप फ्लाइट से उतरेंगे। उतरने के लिए आगे 1 और पीछे 1, कुल मिलाकर 2 एग्जिट गेट्स होते हैं। इस वक्त पे आपका सामान भी फ्लाइट से उतारा जा रहा होता है। फिर आप एयरपोर्ट पे अपने बैगेज क्लेम की तरफ जाएंगे और अपना लगेज आने का वेट करेंगे। और अगर किसी कारण से आपका लगेज आपको ना मिले तो वहाँ खड़े स्टाफ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप एग्जिट गेट से एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। तो चेन्नई में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में आप मुझे चेन्नई सिटी, वहाँ के मंदिर, चर्च, फूड्स और बीचेज एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैन वर्सेस वाइल्ड को सब्सक्राइब करें।